हेलो मित्रों, आप सब किसान साथी और मारा चैनल स्मार्ट एजुटेक माते स्वागत है। तो जो भी नया साथी हो वे मारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो। तो आज वीडियो बनावाला जीओपीएल रो नयो प्रोडक्ट अपाचेर बारे में, इनमें कई टेक्निकल आवे, कई डोज राखनी सही जाए और कौन कौन सी फसलों में काम में लेनो है, और इनमें मेन कंटेंट रो तौर माते किनो किनो मिक्सचर रहे वो भी, और की कौन कौन सा टेक्निकल रहता है आपने दे सका, बिन बारे में मैं अच्छी तरह आपने बताऊंगा। तो मित्रों, जड़ो कि आप सब ध्यान है, अपाचेर वो एक बॉक्स है, तो इनो मेन टेक्निकल वो एक अंतरप्रवाही कीटनाशक है। इनमें मेन टेक्निकल का तौर मत फीफ्रोनिल 15% और प्लोनिक केमिड 15% WDG फॉर्म में आया करे, और UPL कंपनी रो एक बहुत ही अच्छो इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट ने कंट्रोल करिया करे। तो किसान साथियों, इनमें फीफ्रोनिल 15 और प्लोनिकेमिड 15% WDG एक अंतरप्रवाही कीटनाशक जिनो प्रयोग है, जो आप कपास में माऊ तेला चूरदा सफ़ेद मक्खी दहिया और डेडू में सुंडी रेजिन में, धान में भूरा पत्ती रो टिड्डो रेजिन में, सफ़ेद टिड्डी में और हरा पत्ती वाला टिड्डा में, तना छेदक पत्ता लपेटक और सुंडी रमई ने इनमें आप अच्छी तरह प्रभावी रूप नियंत्रण वास्ते करिया करा। तो मित्रों, इनो केमिकल कंपोजिशन में और कई कई तरह एलिमेंट है जिन बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, जड़ों की फिप्रोनिल और प्लोनिकेमिड दोनों ही 15% आवे, इन अलावा इनमें सोडियम लिग्नोसल्फेट आया करे 12% और डाई आइसोप्रिल नेप्थेलिन सल्फोनेट सोडियम साल्ट आया करे 4%, अमोनियम सल्फेट आया करे 7% और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमर 2% और पॉलीसिलोक्सेन 0.50% और केओलिन भी थोड़ी बहुत मात्रा आया करे। तो अब दोस्तों, वो है जो आप मेनली रूप कपास में और धान में यूज में लिया करा, और इन अलावा आप रबी खरीफ और सब्जियां में भी काम में ले सका। वो मेनली रूप सफ़ेद मच्छर है, माऊ तेला और जो भी इंसेक्ट है जिनमें अच्छी तरह कंट्रोल वास्ते काम आया करे। तो अब आप इन कपास महीने कई कई कीट महीने काम लिया करा, जो बताऊँगा। तो मेनली कीटनाशक महीने कपास में है जो माऊ तेला चूरदा सफ़ेद माखी दहिया और जो डेडूम सुंडी रहे जिनमें काम आया करे, और इनमें आप अगर अंतिम छिड़काव और कटाई बीच में 33 दिन रो अंतराल रहो सही जाए, और 500 लीटर पानी महीने आप इन्हें मतलब 80-80 ग्राम रहा 3 पाउच नेकना है 240 ग्राम 500 लीटर पानी में, और अंतिम छिड़काव और कटाई में 33 दिन रो गैप रहे, तो अपन ने अच्छी तरह मतलब कोई भी फसल रमीन ज़्यादा कंटेंट तौर में तो रहे तो सही रहे, 33 दिन रह गैप हूँ अगर पहला देवा तो सही नहीं रिया करे, कंपनी रो सजेशन है। इन अलावा धान रमीन आप भूरा पत्ती आलो टिड्डा सफ़ेद टिड्डा हरा पत्ती टिड्डा तना छेदक और पत्ता लपेट काली सुंडी रहे जिनमें काम में ले सका, इनमें भी अपना 240 ग्राम 500 लीटर पानी में काम में लिया करा, और इनमें 30 दिन का गैप हूँ अपना कर सका स्प्रे, और इनो स्प्रे करा जन साफ पानी रो प्रयोग में लेवा तो सही रिया करे। इन अलावा अपना पौधारी वर्दीरी अवस्था में प्रजनन अवस्था महीने भी काम में ले सका, और छिड़काव में और थोड़ा सो बारीक कुआर राख ने स्प्रे करा तो बढ़िया रिया करे। जड़ों की आप सब ध्यान है कि अबार जीरा में मेलारी शिकायत ज़्यादा आ रही है, जिनमें तेलियो मेलो हरो मेलो माऊ चूरदा सफ़ेद माखी एंड में अच्छो काम करेला, और भूरी पत्ती रो टिड्डा है सफ़ेद हरो टिड्डा तन्ना छेदक में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो इन आप अलग अलग गैप राख ने स्प्रे कर सका ताकि मौला में बढ़िया कंट्रोल रहे, और कपास और धान के अलावा अपन जीरा इन अलावा भी काफ़ी तरह की सब्जियां में भी काम में ले सका, और इनो 80 ग्राम रो और 40 ग्राम रो पैकेट आया करे, जो देख लो आप, वो 80 ग्राम रो पाउच है और 3 बॉक्स अपाचेरा फड़िया है। तो मित्रों, अबे इन में रेट भी बताई दूँ, जैसो कि मात्रा तो आपने बताई दी, तो इन रेट है जो 440 रुपया 80 ग्राम रही है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी रह सके। तो मित्रों, आगे और भी मैं फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी किसान साथी नया हो वे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो।